परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं। जो उपकार आप हमारे लिए करते हैं और जिस तरीके से आप हमें इस संसार से और संसारिकता से छुड़ाते हैं और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं, ये अद्भुत है और इसका वर्णन करना भी कठिन है। हम आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए जो हमें इस विषय को समझाने का प्रयास करता है, ताकि हम पवित्र आत्मा की बात को समझें और हम उस बात को अपने जीवन में पूरा होने दें जो परमेश्वर करना चाहता है, ताकि हम सांसारिकता से छूटकर परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करें और उस राज्य की ओर बढ़ें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। और प्रभु, हम आपकी योजना के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिसका वर्णन आपके वचन में, और चाहते प्रभु हम आपके वचन में बने रहें, वचन में लगे रहें और वचन के अनुसार चलने की चौकसी करें। हमारे विचार हमें भटकाने ना पाएं, हमारे विचार हमें विचलित ना करने पाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में उस प्रकाश को उत्पन्न करें जिसके कारण हम उस मार्ग में चल सकें जो अधिकतर लोगों को दिखाई नहीं दे सकता। हम चाहते हैं प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से वैसी प्रकट हो जैसी आप प्रकट करना चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 51 में आज हम लोग सीरीज के अनुसार, कल हमने बताया था ना, विल्डरनेस एक्सपीरियंस, ये एक अनुभव है और हम उसी बात को समझेंगे कि विल्डरनेस एक्सपीरियंस क्यों जरूरी है। इसके बिना आपको पावर ऑफ गॉड नहीं मिल सकती। अनॉइंटिंग मिलना है, यानी जो अनॉइंटिंग इन है, पवित्र आत्मा अंदर, ये हमें नए जन्म के समय हो जाता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा हमको इस चीज में ले जाने के लिए आया है, और अभी हम इसको वचन के अनुसार देखेंगे ताकि वो स्टेप्स पूरे हों और उन स्टेप्स को जो हम स्टेप्स देख रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट से, यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखेंगे वैसे ही वो स्टेप्स चले थे। और वो स्टेप, अगर ये वाला स्टेप नहीं है, किसी ने ये पार नहीं किया, तो वो परमेश्वर के राज्य में तो प्रवेश नहीं करेगा, उसकी उस पावर को भी नहीं प्राप्त कर सकता जिसका वर्णन वचन में किया गया है। और ये दुर्लभ चीज है, इसलिए हमको इसको ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखना पड़ रहा है, और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो पिक्चराइजेशन है, वहां पर हमको दिखाई देता है। द पर्पस ऑफ द विल्डरनेस इन द लाइव्स ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों में, ये लोगों के जीवन में, ये जो जंगल वाला टाइम है, जंगल का मतलब ये विपत्तियों का समय है, समस्याओं का समय है, और इसमें चीजें आपकी घटती हैं। अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि जब आप प्रभु के पास शुरू में आए थे तो आपके लिए बहुत तेजी से कुछ काम हुए थे, और फिर उसके बाद जैसे ही आप बॉर्न अगेन होते वहां उसके बाद काम होना बंद हो जाता है, फिर एक सूखा टाइप का समय आ जाता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ वही विचलित करता है। ये उस पार्ट में हम हैं। Has God's will for you, has God's will for you included a period of time in the wilderness? यानी परमेश्वर के साथ हमारा ये जो जंगल का मार्ग में हम चलते हैं, ये कैसा समय है? Time in the wilderness means facing wilderness struggles. यानी ये जो wilderness का time है, जंगल में समय बिताने वाला जो समय है, ये समय हमारे लिए स्ट्रगल का समय होता है, स्पिरिचुअली और फिजिकली भी, फिजिकल स्पिरिचुअल दोनों के बीच। और यहीं पे इंसान कंफ्यूज होता है। ये एंड विल्डरनेस हार्डशिप्स, ये हमारे लिए बहुत कठिन समय होता है, कठिनाइयों का समय होता है। एंड विल्डरनेस क्वेश्चंस, और ये हमारे लिए जो विल्डरनेस है, यानी ये प्रश्नों का समय होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो प्रभु को ग्रहण कर चुका हूं, मैंने प्रभु पर विश्वास किया, ये प्रश्न आने लगते हैं। और लोगों के अंदर ये वाले प्रश्न उनको, यानी तुरंत आपको शॉर्टकट ढूंढना पड़ता है, अरे यार ये तो प्रभु को हमने ग्रहण किया और हमारे साथ क्या हो रहा, हमने प्रभु पे विश्वास किया। अंदर एक चीज होती है कि पवित्र आत्मा अंदर है तो प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु को ग्रहण किया, और ये जो जंगल वाला पीरियड आया, ये हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं। इट कैन बी अ प्लेस ऑफ प्रॉब्लम्स, ये समय
विपत्तियों का समय होता है, समस्याओं का समय होता है, एंड एट अ सेम टाइम और ठीक इसी समय अ प्लेस ऑफ पर्पस प्रभु हमको विल्डरनेस में ले क्यों जाता है, ये उसके ये एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। द विल्डरनेस एक्सपीरियंस इज फॉर द पर्पस ऑफ गॉड, हमारे पर्पस के लिए नहीं है, हमारा उद्देश्य उसमें पूरा नहीं होगा। और उस समय हमारे जीवन में जो घटित हो रहा था, हम अपने उद्देश्य को लेकर परेशान होते हैं, मेरा क्या होगा, हमें सब लोग क्या बोलेंगे, हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमने अपनी गवाही दी और लोग आप क्या कहेंगे कि मैं तुम वहां गए, अब तुम्हारा यह हशर हो रहा। लोग आपके उस कठिन समय को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करने लगते हैं। तो आप इसको अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं, इन द बाइबल पिक्चराइज है कि जब वो प्रभु की ओर से वो एक इतने कठिन परिस्थिति में चला गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। ये था विल्डरनेस एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस को लोग नहीं प्राप्त करना मांगते, और आप चाहते हैं कि प्रभु का वो पवित्र अभिषेक जिसे कहते हैं पावर ऑफ गॉड, हिज अनॉइंटिंग, पौलुस की तरह हमें भी मिल जाए। कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हमेशा अपने दिमाग को और अपने दिल को समझाइए, प्रभु के मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। पुराने नियम से नए नियम तक एक एक चीज को विस्तार से देखेंगे, आपको पता चल जाएगा लोगों की जिंदगियां चली गई इसमें, तब उनको वो पावर्स मिली है। मूसा को कितने साल लगे जंगल में, विल्डरनेस में? 40 साल, 80 ईयर्स में उसने, 40 साल के बाद उसने, यानी जब उसकी उम्र 40 साल थी तब वो जंगल के अनुभव में गया, विल्डरनेस में, और उसके बाद 80 साल का जब हुआ तब उसके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य काम करना शुरू किया। क्यों नहीं तुरंत काम हुआ? यस, द प्लान ऑफ गॉड इज द पर्पस ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने प्लान के अनुसार अपने उद्देश्य के लिए हमें तैयार करता, उसकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो रही नहीं, कंटेन ही नहीं कर सकते, कर नहीं कर सकते। अब देखिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज द विल्डरनेस इज अ पजल। ये जो कठिन समय आता है प्रभु पर विश्वास करने के बाद और उस छुटकारे के बाद, जब वो विश्वास, ये बीच का समय आता है, ये जंगल का पीरियड है, और ये समय आपके लिए भारी होता, हर विश्वासी के लिए, अगर वो वचन में नहीं बना रहे, संगति में नहीं बना रहेगा, कलीसिया में नहीं बना रहेगा, वो व्यक्ति इसको पार नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च? क्योंकि उसको मालूम था, उसने खुद भी पार किया था, मूसा ने पार किया था, इसका पूरा, यानी पूरा बाइबल इस चीज से भरी पड़ी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पीरियड को हमारे लिए शक्तिशाली बनाने के लिए कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब आपको बताएं, कलीसिया, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट? क्राइस्ट का मतलब होता है अनॉइंटिंग ऑफ जीसस, एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट मींस द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कलीसिया के अंगों का अभिषेक से भरा होना। और जब पूरी कलीसिया के सब लोग अभिषेक से भर जाते हैं और वो पूरी तरीके से, यानी मसीह का स्वरूप बन जाते हैं, पौलुस बन जाते हैं, ऐसे समझ लीजिए, तो ये समझ लीजिए उसको कहते हैं द ट्रू बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो आपको कभी जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल बॉडी का हम हिस्सा बनते हैं जो दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए क्योंकि पूरी किसी भी कलीसिया में सब लोग कभी भी अभिषेक से परिपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर काम चल रहा है दो पार्ट। हम इसमें आगे आपको बताएंगे कि ये दो पार्ट्स कैसे होते हैं, लेकिन अभी हम इस पे आते हैं। पहला नंबर ये है, द विल्डरनेस इज अ पजल फ्रॉम आवर आवर पर्सपेक्टिव, हमारे दृष्टिकोण से ये जो विल्डरनेस का टाइम है ये एक पजल है, एक पहेली की तरह है, समझ में नहीं आता हमारे साथ ऐसा क्यों, लेकिन बट फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के दृष्टिकोण से इट इज हिज परफेक्ट प्लान फॉर आवर लाइफ, ये उसका सिद्ध योजना है हमारे जीवन के लिए। अब आप ये बताइए, परमेश्वर की सिद्ध योजना को ग्रहण करना मांगते हैं
या आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए परमेश्वर के पास आए, तो आपको कठिन समय पार करना है। इजरायली लोग इस समय को पार नहीं कर पाए थे, बैड न्यूज है। इसीलिए पौलुस ने उनको एग्जाम्पल में रखा है। पहला कुरंतियों 10 अध्याय, उसने कहा सबने आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, उस चट्टान से पीते थे, उनके साथ चलती थी, वो चट्टान मसीह था, उनमें से हर एक परमेश्वर किसी से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, मैक्सिमम वो जंगल में मर के ढेर हो गए। ये कौन लोग थे? मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जिन्हें छुड़ाया था, विल्डरनेस में मर गए। हम लोग इसको और आगे जाके ये देखेंगे वो विल्डरनेस में क्यों मरे, क्योंकि वहां पर आप पढ़ लेंगे तो लिखा है कि वो आत्मिक भोजन भी करते थे, आत्मिक जल भी पीते थे, लेकिन शारीरिक जीवन उनका खराब था। वो सब प्रकार के गलत काम करते थे, लालच करते थे, व्यभिचार करते थे एक दूसरे के साथ। तो आज क्या हो रहा है? आप किसी कलीसिया में जाके देख लीजिए, वहां ये सच्चाई बताई ही नहीं जा रही। पहली बात तो ये बताया ही नहीं रहे। जब तक सेवक प्रभु में नहीं होगा, प्रभु के वश में नहीं होगा, कलीसिया का एक भी व्यक्ति प्रभु के वश में नहीं होगा। वो पकड़ता एक को, हेड को, और उसके साथ जितने लोग कनेक्टेड होते हैं वो सब उसके साथ प्रभु के ग्रिप में आते हैं। कैसे? एक सरल एग्जांपल है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर पकड़े हुए, मेरे बॉडी में करंट दौड़ रहा है, और हम आइसोलेटेड हैं, जमीन से अलग हैं, रबर पैड पे खड़े हुए हैं, और आप आकर उसी रबर पैड पे खड़े होकर मुझे पकड़ लीजिए, तो आपके अंदर कौन सा करंट बहेगा? वो जो करंट हमारे अंदर आ रहा है वही करंट आपके अंदर आएगा ना। और जितने लोग आपको कोई आके पकड़ ले, तो इस तरीके से सब लोग उसी एक करंट का बहाव सब में होने लगे। यही है कलीसिया। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की सामर्थ एक व्यक्ति। इसीलिए हमारे लिए वो व्यक्ति कौन है मालूम? जिसको मैंने पकड़ा है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसने मुझे पकड़ा और मैंने उसको पकड़ा, दोनों तरफ से ग्रिपिंग, दोनों तरफ से। ना वो हमें छोड़ेगा, वो कभी छोड़ता नहीं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। गलत हमारी तरफ से होता, हम छोड़ सकते, तो जब हम उसको पकड़े हुए हैं, हमारी ग्रिप ढीली हो सकती लेकिन उसकी नहीं होगी, क्योंकि डबल ग्रिप है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक, तो हमको वो इसलिए पकड़े, हम उससे छूट नहीं सकते, तो हम किसी व्यक्ति के पीछे जा नहीं सकते। जिस व्यक्ति को छुटकारा चाहिए वो वहां आए और छू ले, प्रभु उसको पकड़ लेगा, जैसे उसने मुझे पकड़ा वो आपको भी पकड़ लेगा। अब देखिए, ये इसका एक तीन पॉइंट हम देखेंगे, केवल तीन पॉइंट है लेकिन तीन पॉइंट बहुत पावरफुल है। द विल्डरनेस इज अ प्लेस ऑफ सेपरेशन, द विल्डरनेस इज अ, ये जो जंगल का पीरियड होता है ये किस चीज से हमको परमेश्वर सेपरेट कर रहा है, किस चीज से सेपरेट कर रहा है? देखिए कोई नहीं बता पा रहा। जंगल का जो पीरियड है, प्रभु आपको किस चीज से सेपरेट कर रहा है? प्लीज, ये वाली प्रॉब्लम मैं कभी नहीं दूर कर पाऊंगा। हैं? आपको जंगल में ले गया तो आपका जीवन कहां? जंगल में तो आप विपत्ति में आ गए ना, तो किस चीज से छुड़ा रहा है? नहीं, विपत्ति आ रही है, किस चीज से छुड़ा रहा? आपका डर निकाल रहा है। आपको जो लालसाएं है ना, शरीर की इच्छाएं, उनसे कैसे छूटोगे? मिलिट्री वालों को अगर शहर में एसी रूम में रख के ट्रेनिंग दी जाएगी ना, कभी नहीं सैनिक बनेंगे। कैसे सैनिक बनते हैं? जहां उनका काम है, जहां उनको, वहां पर सर्वाइव करना सीखो पहले। और अगर जिसने जंगल में सरवाइव कर लिया, महल उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, और मालूम उसका मन फिर महल में नहीं लगेगा वो देसी जीवन हो जाता है। हालेलुया। आजकल के लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे जीवन में ये अभिलाषाएं, सुख विलास का जो हमें वो लग गया है, लग्जरी लाइफ का जो चस्का लग गया है, ये हमको वो अभिषेक प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए मॉडर्न टाइम के लोगों के लिए टफ है, लेकिन पुराने लोगों के लिए, जो देसी लोग, उनके लिए टफ नहीं था। ये शहरी लोगों के लिए टफ है, ग्रामीणों के लिए नहीं है टफ। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, अगर अभिषेक चाहिए, पावर ऑफ गॉड चाहिए, तो
तो आपको इस चीज को प्रभु आपके जीवन में तोड़ के रहेगा तभी मिलेगा, वरना आप भाग जाओगे तो भाग जाओ, फिर आपको मिलेगा कुछ नहीं। अब ये बताइए, परमेश्वर उनको नहीं दिया था, आपको दे देगा क्या? क्योंकि वचन तो गवाही दे रहा है ना, ये यीशु मसीह ने कहा था ये मेरी गवाही देते हैं, तो यीशु मसीह वही करेगा जो वचन गवाही दे रहा, तो वहां से जाके सीखो। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें ले जाता है। द विल्डरनेस इज अ प्लेस ऑफ सेपरेशन। देखिए, इन द विल्डरनेस गॉड रिवील्स हिमसेल्फ। जंगल में प्रभु किसको प्रकट करता? अपने आप को। शहर में क्यों नहीं करता? हम अपने जो सुख विलास के जीवन में वहां क्यों नहीं करता? आपको इन सब चीजों से पहले छुड़ाएगा, और जब छुड़ाएगा तब आपका मन उसकी ओर लगेगा। और प्रभु को देखने के लिए क्या चाहिए? मन आपका प्रभु में लगा होगा, प्रभु आपको दिखेगा। मन क्यों नहीं लग रहा? हमारा मन सुख विलास में लगा हुआ है, शारीरिक भोग विलास में लगा। इन द इन द डार्कनेस ऑफ द विल्डरनेस, यानी जंगल के या क्या कहेंगे निर्जन स्थानों में जहां अंधेरा है, ही इज योर लाइट, वो आपका प्रकाश बनेगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये वाली ज्योति नहीं, हमको दिव्य ज्योति चाहिए। हमारी ज्योति प्रभु बनेगा, ठीक है? और इन द कंफ्यूजिंग मेज ऑफ द विल्डरनेस, आप जब जंगल के वाले सीन में जाते हैं, इस अनुभव में जाते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन होने लगता है। हमने बताया नहीं कि अरे मैंने तो प्रभु पर विश्वास किया, मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं तो वचन भी सुनता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है ना? कोई नई चीज नहीं है, इसको सीख लीजिए। ये मालूम क्या है, द विल्डरनेस वी लर्न टू लेट हिम बी आवर गाइड, ताकि हम इस बात को सीखें कि प्रभु हमारा अगुआ है, उसकी अगुवाई सीखे, वचन के द्वारा करेगा। तो हमारा मन जब विपत्ति हो तो हमारा मन वचन में ज्यादा लगे, जब हम विल्डरनेस में हो तो हमारा फोकस वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। और अधिकतर लोगों का मैंने अपने अनुभव में, अपने जीवन में, सेवकाई में मैंने देखा है, मैक्सिमम लोगों का फोकस वचन पे नहीं होता है, वो एक्ट्स में बिलीव करते हैं कि हम क्या करें, वो इस चीज को ढूंढते हैं कि वो ऐसे कर रहा है उसको मिल गया, उनको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया उसको मिल गया, लेकिन हमारे कुछ करने से हमें छुटकारा मिलेगा नहीं। अगर ये होता तो इतनी मोटी पुस्तक हमें ना दी जाती, पवित्र आत्मा सिखाने के लिए ना दिया जाता, टीचिंग का कोई काम ना होता, अगर एक्ट्स से काम होना होता। ये लोगों ने शॉर्टकट्स, जो ये फॉल्स टीचिंग है वो शॉर्टकट्स रखती है, और आपको मालूम है इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के राज्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और जितनों ने शॉर्टकट अपनाया सब निपट गए। शुरू में उनको ठीक लगता है, फिर उसके बाद उनके साथ वो होता है कि वो ऐसे जाके, क्योंकि परमेश्वर अपना मुंह मोड़ लेता है, वो बेबीलोन की गुलामी है। हम उसके विषय में भी बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम और आगे बढ़ेंगे इसी विषय में। इन द विल्डरनेस ही सेपरेट्स यू फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द वर्ल्ड। आपको जंगल में क्यों ले गया? संसारिकता, संसार का जो प्रभाव है, शहर की चमक दमक, शहर का जीवन, ये आपको कभी सैनिक नहीं बनने देगा। इसीलिए आपका आपको प्रभु का व्यक्ति नहीं बनने देगा। यहां इतनी एक्टिविटीज हैं कि आप उससे छुटकारा ही नहीं पाएंगे। आपको कितना समय मिलता होगा प्रभु के वचन के लिए? ईमानदारी से अगर पूछे तो आप बिल्कुल कोई समय नहीं, 24 घंटे के 24 घंटे आप पूरे अपने ऊपर लेते हैं। आपने कितने घंटे प्रभु को दिए? और मांगते आप प्रभु से सब कुछ, कि हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, क्यों देगा? वो उसके उन लोगों के लिए वो काम करता है जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं, यानी उसके वचन में लगे रहते हैं और उस पर दृष्टि रखते हैं। प्रभु तेरी मर्जी होगी तो ये होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। सही मानसिकता में होना जरूरी है, इसीलिए हमको हमारी मानसिकता सही करने के लिए हमें जंगल में ले जाता है। एज द थिंग्स एंड पीपल दैट यू हैव लर्नड टू डिपेंड ऑन, सो दैट यू विल लर्न टू डिपेंड ऑन हिम। हम लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, हम अपने सांसारिक जीवन में, लेकिन परमेश्वर हमारा सब पे से भरोसा तोड़ता है। कैसे? जंगल में ले जाकर कहता है यहां तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, अब तुम्हारे लिए मैं ही हूं, मुझ पर भरोसा रखो। और आप देखना चाहते हैं तो पुराने नियम में जाके इसराइलियों को देखिए, जिन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी, जंगल में सबको ढेर कर दिया।
क्यों नहीं निकाला? प्रभु तो दया करने वाला, प्रभु तो प्रेम करने वाला, प्रभु का प्रेम सच्चाई के साथ है। जो सच्चाई के साथ नहीं उसके लिए प्रेम नहीं है, सांसारिक लोगों के लिए प्रेम नहीं है। प्रभु का प्रेम उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास कर लिया कि ये हमारे पापों के लिए मारा गया और उन्होंने उसको ग्रहण किया। उनको जंगल में ले जाएगा पहले ये टेस्ट करने के लिए कि इन्होंने वाकई में उस पर विश्वास किया है या ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन उसके वचन में है कि दिल धोखा देने वाला है। हमारा जो दिल है, दिल का मतलब हमारे थॉट्स, हमारे थॉट्स डिसेप्टिव हैं, वो हमको धोखा देंगे। और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं वो सत्य बताता है और हमारे थॉट अगर वो एक लाइन में नहीं है तो हमारे ऊपर ये डिसीजन टिकता है कि हम अपने थॉट को जो हमारे मन में उठ रहा है उसे ग्रहण करें या हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आप परीक्षा में आ जाते हैं, करना क्या चाहिए? इस थॉट को आप कंडेम कीजिए और ट्रुथ को रिसीव कर लीजिए, आपको पार लगा देगा। और यहीं पर उल्टा कर दीजिए आप तो कहेगा ठीक, इसको अभी रोके रहो, ये भी नहीं जाएगा। ये इसी में देखिए यर्मिया नबी की पुस्तक 17:5-9 तक कोई पढ़े हिंदी में। यहोवा यू कहता है, श्रापित है वो पुरुष किस पर? जब आप कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में लंबे समय से आप प्रभु की शिक्षा में हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आप किस पर भरोसा कर रहे हैं? सेवक पर या प्रभु पर? नहीं, अगर ऐसा है, देखिए फिर आप परीक्षा में पड़ जाते हैं जैसे ही आप जवाब देते हैं। अगर आप मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो आप श्रापित हैं, लेकिन अगर आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आप धन्य हैं। ये दोनों बातें आपके जीवन में क्या क्या चीज आपके हृदय में है वो आपको उसी के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। आगे पढ़िए। और उसका किसका? मनुष्य का सहारा नहीं लेना चाहिए जी। जिसका मन, देखिए जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो मनुष्य का सहारा लेता है जी। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान ही कंपेयर किया जा रहा उस व्यक्ति को, उस विश्वासी को होगा, वो व्यक्ति कभी भलाई नहीं देखेगा। देखिए ये पहले से ये चीजें लिखी हुई हैं, ये हमने नहीं छापी जी। वो निर्जल और निर्जन तथा ये श्रापित भूमि को, जो निर्जन निर्जल और लोन छाई भूमि है ये श्रापित भूमि है जी। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है जी। देखिए भरोसा करना और भरोसा रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार आप भरोसा तो करते हैं वचन सुनकर लेकिन रखते नहीं, यानी सस्टेन नहीं करते। आप थोड़ी देर बाद आपका भरोसा हिलने लगता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या, वही आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज जी। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी किसको? जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, आपको अफेक्ट नहीं करेगी। धूप होगी यानी क्या? धूप नहीं होगी लेकिन आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करेगी जी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे के वर्ष में, यानी जब कठिन समय आएगा। हाँ हाँ हाँ, महंगाई कितनी भी बढ़ जाए आपका भरोसा किस पर है? इनकम पर या परमेश्वर पर? वो तो वक्त बताएगा, कहने को आप कुछ भी कह दीजिए हम सुन लेंगे, लेकिन आपके जीवन में रिजल्ट वही आएगा जो आपके अंदर, जिस पर आपका भरोसा होगा। आपका भरोसा आपकी इनकम है, आपका जॉब है या परमेश्वर? हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है ये कहना। यहाँ के लोग इनकम पे भरोसा करते हैं, ये अपने शरीर पे भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं। टोटल फिजिकल है, टोटल फिजिकल इन इंडिया बहुत इंपॉसिबल है। लेकिन
आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, आपके जीवन का आधार वो है, तो आपको फिर विचलित नहीं होना चाहिए, पैसे की घटी में आप फिर कुड़कुड़ कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए। इजरायली लोग क्या करते थे जंगल में, और हम लोग क्या करते हैं, क्यों कुड़कुड़ाते हैं? जब विश्वास कह रहे हैं, विश्वास है हमारा आधार परमेश्वर है, तो कुड़कुड़ाहट क्यों? आपने जवाब दिया है, देखने सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपको देख भी रहा है, सुन भी रहा है, और वो हृदय को जांचता है। इसलिए हम तो आपको सिर्फ वचन बता रहे सत्य, आप इस सत्य को अपने जीवन में बैठा लीजिए और अपने मन को समझाना शुरू कर दीजिए। जैसे दाऊद कहता था, हे मेरे मन, दाऊद परमेश्वर से ये नहीं कहता था प्रभु मुझे ये दे दे, बल्कि वो ये कहता था हे मेरे मन, अपने मन से बात करता था। आज कितने लोग हैं जो अपने मन से बात करते हैं, अपने मन को समझाते हैं, अपने मन को ट्रेंड कर रहे हैं वचन के अनुसार, नहीं सब एक्ट्स में लगे हुए हैं। यही तो फॉल्स टीचिंग ने किया है, और फॉल्स टीचिंग का काम ही है, और ये भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, ये भी बता दो जी। आगे बढ़िए, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा, सूखे के वर्ष में भी फलता रहेगा, आपको वो फलवंत हमेशा के लिए करता है। हाँ, नौवा पद भी होगा ना, मन तो सब वस्तुओं से अधिक। मन में एक रोग है, ये हम नहीं कह रहे, वचन कह रहा है, और ये मालूम कैसा रोग है? आगे पढ़ दीजिए, ये कौन सा रोग है? असाध्य का मतलब क्या है? आप इसका ह्यूमन रेमेडी है ही नहीं, आप प्रार्थना से इसका इलाज नहीं कर सकते, आप प्रेजेंट वर्शिप से इसका इलाज नहीं कर सकते, आप कलीसिया में जाकर इसका इलाज नहीं कर सकते, बाइबल पढ़ के नहीं कर सकते, किसी तरीके से नहीं। अगर कोई इलाज होता तो परमेश्वर हमको जरूर बताता, परमेश्वर अपने लोगों से कुछ नहीं छिपाता। उसने हमको ये बता दिया, तुम्हारे मन में एक रोग है, और ये समस्त मानव जाति में है, बिकॉज ऑफ एडम ओरिजिनल सिन, और ये असाध्य रोग है, इसको कभी कोई नहीं ठीक कर सकता, इसका मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं, और ये मालूम ये रोग क्या है? शक, शक का कोई इलाज नहीं। लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की बजाय प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि प्रभु ये कर दे? शक, और इसका कोई इलाज नहीं है। इस असाध्य रोग से आपको छुड़ाने के लिए जंगल में ले जाता है, ताकि वहां पर इसका सारा शक मिटा ही दो, या तो शक मिटेगा या ये मिट जाएगा या हम मिट जाएंगे या हमारा शक मिटेगा, एक ही चीज रहेगी, है ना। अब आगे चलिए, इसका फिलिपियों की पत्री में आइए, 4:19, फिलिपियों 4:19 पौलुस का अनुभव सुनिए इस विषय में, मसीही जीवन के विषय में। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित किसमें है। अब देखिए, हम आपको शुरू से मैंने एक बात सिखाई, बहुत बारीकी है, बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी ट्रुथ, जहां होगा वहीं मिलेगी। आप देखिएगा, किसी चीज का एक क्रम होता है। जब हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सा रे गा मा पा ध नी सा, दो सा है, एक सा ऊंचे स्वर का, एक सा नीचे स्वर का, है ना, लो एंड हाई। तो ये जो दो सा है, इनके बीच में 7 सुर आते हैं, 6 सुर, तो ये टोटल होते हैं 8, 6 सुर बीच में आते हैं। जब आपको इस सा से, जब फ्रेट बोर्ड होता है, जैसे कोई कीबोर्ड है, फ्रेट बोर्ड है गिटार का, आप इस सा से इस सा एक बार में नहीं आ सकते, इसमें आप जब स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना, सा रे गा मा पा ध नी सा, तो ये स्टेप्स जो आपने चले, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है क्रमवार, क्रमवार तरीके से आप एक से दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसीलिए आप एक चीज सीखिए, और लाइफ में कोई भी चीज होगी, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, हर चीज का एक क्रम होता है। क्रम यानी स्टेप, किसके बाद कौन। आप डायरेक्ट एक स्टेप से चौथे स्टेप पे नहीं आ सकते, आप सीढ़ी चल लीजिए, जीना सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं। आप नीचे वाले स्टेप पे पैर रखिए और एकदम 6 स्टेप ऊपर वाले स्टेप पे पैर रखिए, क्या होगा? अरे सब मुस्कुरा रहे, अनुभव बताइए ना, कभी किया नहीं ना ऐसा, आपकी बुद्धि ने कभी अलाउ नहीं किया होगा, नहीं ये ना मत करो। क्रम को हमेशा याद रखिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, इसको फिर से पढ़िए, यहां पे क्रम, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित
अब देखिए यहां पर एक क्रम आपने देखा, यीशु मसीह हम कहते हैं, लेकिन यहां पर क्रम पलट दिया। पहले क्या आया? हमेशा याद रखिएगा, ये जो क्रम पलटा जाता है इसमें भी मीनिंग छिपी है। मसीह यानी मसा, अनॉइंटेड जीसस, मेरा प्रभु जी मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कब? जब आप मसीह और यीशु, यीशु हमारे अंदर होता है और मसीह का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आप मसीह में और मसीह यीशु आप में, तो आप हो गया, ये पूरा मिला के होता है जीसस क्राइस्ट। हम क्राइस्ट में और जीसस हमारे अंदर, ये इसको बोलते हैं जीसस हमारे अंदर मींस अनॉइंटिंग इन, और हम क्राइस्ट में अनॉइंटिंग अपॉन। तब हमको वो सब हमारी हर चीज को वो प्रोवाइड करता है अगर हम मसीह में है तो। इसलिए लिखा है मसीह में हमें सब प्रकार की उत्तम आशीषें उसने दे दी परमेश्वर पिता ने। कहां मिलेंगी? मसीह की देह में। आपको क्या करने में? अगर यीशु आपके अंदर है आप घर में रहिए, नहीं यीशु आपके अंदर आप घर में रहिए, लेकिन अगर आशीष चाहिए तो आप कलीसिया में आइए। करेक्ट? ये क्रम आप याद रखिएगा, क्रम बहुत जरूरी है, सीक्वेंस। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, द विल्डरनेस इज अ प्लेस ऑफ प्रिपेरेशन ऑल्सो, सेपरेशन देन प्रिपेरेशन। आपको उन सब चीजों से जिसमें से बचपन से लेकर अभी तक आप लिप्त रहे, आप उसके आदि बन गए, आदत पड़ गई, उस सब आदतों को छुड़ाने के लिए, आपको अपना दर्शन देने के लिए, आपको अपनी बहुत सी बेसिक्स सिखाने के लिए जंगल में ले गया। और जैसे ये पहला पार्ट कंप्लीट होता हमारा सेपरेशन वाला, उसके बाद शुरू होता है प्रिपेरेशन। अब हमको मालूम चल जाता है कि नहीं, परमेश्वर के साथ सीरियस होना है। अब देखिए इसमें, When God takes you to the wilderness, He withholds that which you have come to depend on other than Him. यानी हम परमेश्वर पे ज्यादा डिपेंड करें बजाय किसी और बात पे। Maybe you came to depend on your job. हो सकता है कि आप अपने जॉब पर डिपेंड कर रहे हो। अब देखिए उसका नतीजा क्या होगा अगर आप प्रभु में आ गए उसी बीच में, और आप जॉब पर बहुत भरोसा करते हैं, आपके दिल में ये कि हमारा जॉब बहुत बढ़िया है, हमें प्रभु मिल गया। और अब होगा क्या कि यू डिपेंड ऑन योर जॉब टू प्रोवाइड, कि हमारा जॉब है, हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। गॉड रिमूव्स द जॉब फॉर अ टाइम। परमेश्वर आपको थोड़े समय के लिए जॉब से हटा के देखेगा। कभी कभी मालूम लोग विश्वास में आते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है। अब मिस इंटरप्रिटेशन शुरू, हमने कुछ गलत कर। हमेशा याद रखिए कि जॉब गई क्यों है? आपका भरोसा जॉब पे ज्यादा था, प्रभु पे कम था। आपका भरोसा प्रभु पे ज्यादा हो, जॉब पे ना हो, थोड़े समय के लिए आपको बेरोजगार करेगा। अब आपको कौन चाहिए? अब आप दो चीजों में से किसी एक को ढूंढेंगे, जॉब को ढूंढेंगे या प्रभु को ढूंढेंगे? नहीं, बहुत कम लोग होंगे, रेयरेस्ट टू रेयर। बहुत ध्यान दीजिएगा, हम ये सब बातें आपको क्यों बता रहे हैं। रेयरेस्ट टू रेयर अनॉइंटिंग अपॉन में आ पाता, पावर ऑफ गॉड रेयरेस्ट ऑफ रेयर के पास आती, जो ये पार कर ले गया। जॉब गई, भरोसा आप ढूंढ क्या रहे? ज्यादातर लोग जॉब ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप उसी समय परमेश्वर को ढूंढना शुरू कर दीजिए तो परमेश्वर तो आपको मिल जाएगा बहुत सरलता से, लेकिन वो आपको बेस्ट जॉब देगा, लेकिन आपका भरोसा तोड़ेगा। भरोसा तोड़ना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटे बच्चों को ऐसे ही भरोसा तोड़ के किस चीज पे ज्यादा भरोसा करना ये सिखाते और सिखाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं मे बी डिपेंड ऑन, ताकि हम परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा करें। मे बी यू केम टू डिपेंड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ फॉर ओन स्ट्रेंथ और स्टेमिना। हो सकता है आप अपनी शक्ति पर और अपने बल पर भरोसा करते हो, बहुत भरोसा हो, परमेश्वर क्या करेगा? आपको वीकनेस में डाल देगा। द गॉड ब्रिंग्स वीकनेस इन टू योर लाइफ, वो आपको निर्बल कर देगा। अय्यूब के जीवन में फिर जाके देखिए, निर्बल किया ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ उसको भी ये बता दे कि तुम्हारे बल से तुम नहीं हो, तुम मेरे बल पे हो। ठीक, अब ये देखिए, सो दैट यू विल लर्न दैट योर स्ट्रेंथ इज इन हिम।
तुम्हारी शक्ति उसमें है, इसीलिए दाऊद कहने लगा तू मेरा बल है। पढ़ा, तू मेरा बल है। कई बार आपको यह समझ में नहीं आएगा परमेश्वर हमारा बल कैसे है, जब आपको जंगल में ले जाएगा प्रैक्टिकली सिखा देगा कि मैं बल हूं। कभी अपने बल पर भरोसा मत करना जी। इन हिम यू सी इज इट एज डिप्रिविएशन, गॉड सीज इट एज प्रिपेरेशन। आप इसको ये देखते हैं कि मेरी ये चीज कम हो गई, मेरी शक्ति चली गई, मेरी नौकरी चली गई, आप इसको डिप्रिशिएटिव देख रहे हैं कि मेरा घट रहा है, लेकिन परमेश्वर इसको एज ए प्रिपेरेशन देखता है, ये तो प्रिपेयर हो रहा है जी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8:1-10 तक पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8:1-10 तक जी। व्यवस्था विवरण 8, जो जो आज्ञाएं, हाँ मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सभों पर ना चलने की चौकसी करना जी, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ जी, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में कहां से, जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया, रीजन इसलिए लेके आया है कि वो तुझे जंगल में क्यों ले जाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग है जी, और जंगल में क्या होती है, परीक्षा करके ये जान ले, कौन कौन जान ले, परमेश्वर ये जान ले कि तेरा मन, तेरे मन में क्या क्या है, जितनी चीजें मन की मैं भरी है वो कहां निकलेंगी, इजराइलियों को जाके देख लीजिए। कभी आप जंगल में गए नहीं, आपको लगता मैं बहुत बड़ा विश्वास, ये सारे पाठ हमें बहुत भयानक स्थिति में, जब हमारा परिवार था बहुत भयानक स्थिति में, तब परमेश्वर हमें ये सिखा रहा था, ये विल्डरनेस पार्ट है, कुड़कुड़ाना मत, और उस समय भी हम खुशी से प्रभु की सेवा करते थे, बहुत खुशी से, और हमने कभी भी मुंह नहीं बनाया, और हमने कभी भी डिमांड नहीं की कि प्रभु हमें इसमें से निकाल ले, हमने कहा कि जितना हार्ड टाइम होगा उतना मेरे लिए आगे बढ़ा होगा। हालेलुया। जब आपका पारिवारिक जीवन शुरू होता है शादी के बाद, कुछ समय बड़े खुशी और आनंद के होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हनीमून पीरियड, वेरी गुड, राइट आंसर, हनीमून पीरियड, और उसके बाद क्या शुरू होता, विल्डरनेस पीरियड, और ये विल्डरनेस पीरियड बच्चे जब बड़े होते हैं तब तक का होता है, ये बड़ा लंबा होता है, उसके बाद आपको जो मिलता है, लेकिन ये विल्डरनेस वाला पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, ये पारिवारिक जीवन में भी है, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रगल होता है, तरह तरह का, और उसी समय तरह तरह की चीजें मन में से निकलती है, प्रगटीकरण, और इसी में परिवार बनते बिगड़ते हैं, उसी विल्डरनेस वाले पार्ट में। शादी के तुरंत बाद कभी किसी का तलाक नहीं होता है, विल्डरनेस वाले पार्ट में इसे पार करते समय तलाक हो जाते हैं, वहीं परमेश्वर का और हमारा तलाक होता है या मेल रहता है, हमेशा याद रखिए, बिल्कुल सिंपल। इसीलिए उसने पारिवारिक जीवन का नया नियम में एग्जाम्पल हम लोगों को दे रखा है, पति पत्नी और मसीह और कलीसिया, ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, इसे मैच कर ले, आप अपने अपने पारिवारिक जीवन से मसीह जीवन को टैली करके देखिएगा हमेशा। अब देखिए आगे इसमें आप घर में पढ़िएगा, अब हम इसको जाते हैं वहां पे, चलिए इब्रानियों की पत्री नए नियम में 12:5-11, इब्रानियों की पत्री 12:5-11 नए नियम में जी। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो, हे मेरे पुत्र प्रभु की ताड़ना को। ताड़ना कब मिलती है, विल्डरनेस पीरियड में, ये विल्डरनेस पीरियड हमारे ताड़ना का समय होता है। तू हे मेरे पुत्र, तू प्रभु की ताड़ना को
बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं, हल्की बात मत जान। और जब वो तुझे घुड़कते कैसे है? नहीं, घुड़कना, घुड़कना का मतलब है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश किसी के पास इंग्लिश है? इंग्लिश में देखिए, ये घुड़कने का मतलब, घुड़कना किसको बोलते हैं? घुड़कना का मतलब होता है किसी को हड़का देना, हड़का देना, घुड़कना। ये यानी यहां पे कह रहा है, यदि परमेश्वर या प्रभु तुझे घुड़के, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिब्यूक, कस के डांट देना किसी को, उसको कहते हैं घुड़कना। किसी को आप कस के घुड़क दीजिए तो वो क्या करता है? घबरा जाता है। इसीलिए कह रहे, जब प्रभु तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़ना जी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, किसकी करता है? अगर आपके जीवन में ताड़ना हुई है तो आप ताड़ना को समझते होंगे और आप ताड़ना करने वाले को प्रेम को समझते होंगे। लेकिन अगर आपकी बचपन में ताड़ना नहीं हुई है तो आप कभी भी ताड़ना को नहीं समझेंगे और ताड़ना करने वाले को नहीं समझेंगे। लोग परमेश्वर से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके बचपन में उनकी ताड़ना नहीं हुई है। लेकिन हमारा बचपना तो भैया बहुत हार्डनेस में था, इतना हार्डनेस थी जितनी आज किसी घर में देखने को नहीं मिलती, इतना स्ट्रिक्टनेस था, एकदम मार्शल लॉ समझ लीजिए, यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। और इसलिए हमें परमेश्वर की ताड़ना बहुत जल्दी समझ में आ गई। और यही पार्ट है आपका टाइम लंबा खींचना, बहुत लंबा खींचता है। देखिए 40 दिन का सफर था जंगल का इसराइलियों के लिए, जिसे 40 साल में पूरा नहीं कर पाए। कारण? क्योंकि वो प्रभु की ताड़ना को हल्की बात जान रहे थे जी। और जिसे, देखिए, जिसे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, यहां तक तो ठीक है, इसके आगे वाली लाइन तो बड़ी खतरनाक है। जिस, हाँ, पुत्र बनने का मतलब क्या है? बिना कोड़े के आपको ताज मिलेगा? और दुनिया में सब लोग प्रभु की वो बड़ी सामर्थ्य प्राप्त करना मांग रहे हैं कि बस जैसे पौलुस जाता था, लोग छू लेते तो चले जाते, मेरे साथ हो, नहीं होगा, संभव है। कब? ये कंडीशंस पूरी करनी, क्रम आपको पूरा करना है जी। हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। क्या कह रहा प्रभु? और हम क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, हमें इससे छुड़ा। क्या प्रार्थना करते हैं? कोई व्यक्ति ये प्रार्थना कभी नहीं करता है कि प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि हम इस समय में आपके साथ विश्वास योग्य। कोई नहीं कहता, हमेशा लोग कहते प्रभु हमारी विपत्ति को दूर, प्रभु विपत्ति हमारी बचा ले। क्यों कह रहे हो यार? इसका मतलब वचन नहीं जानते। जो लोग वचन नहीं, वचन को, परमेश्वर की इच्छा और योजना को नहीं जानते, उनकी प्रार्थना से साफ पता चल जाता है ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर, बिल्कुल सही बात बोलिए, सफरिंग मेक्स अ मैन मैच्योर। हमको सफरिंग में वो लेके जाएगा, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, हमको मजबूत कैसे करेगा? आज संसार में ज्यादातर लोग मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली, इमोशनली बिल्कुल धराशायी, एक कोई हार्ड बात बोल दीजिए वही गिर गए, बेहोशी आ गई जी। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ, हाँ, हम कैसा बर्ताव करते हैं? हम पिता नहीं मानते उसको, हम तो उसको सिर्फ ये मानते हैं कि उससे बस लेना है और भागना है, इसलिए हमको मिलता नहीं है जी। अब आ जाइए इसके थर्ड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में लिखा है द विल्डरनेस इज अ प्लेस ऑफ रेवलेशन। यही आपको प्रकाशन मिलेगा, प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा, प्लेस ऑफ, पार्ट ऑफ द प्रिपेरेशन फॉर व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू विल ग्रो आउट ऑफ द रेवलेशन ऑफ हिमसेल्फ। यानी जब हम पहले हम कौन से पार्ट में थे? सेपरेशन, फिर आए प्रिपेरेशन, और फिर जंगल में जब ये थर्ड पार्ट हमारे जीवन में आता है तो हमको ये, यानी प्रिपेरेशन कंप्लीट होता है रेवलेशन पे। और जब हमारे जीवन में प्रभु अपने आप को प्रकट कर देता है, दैट ही गिव्स यू, फॉर मोस्ट ऑफ अस द ओनली प्लेस वी कैन बी रेडी टू रिसीव
दैट रेवलेशन इज इन सम विल्डरनेस, यानी किसी ना किसी प्रकार से जब हम इस पीरियड में होते हैं, कष्टों के पीरियड में और टेस्टिंग पीरियड में, ट्रायल पीरियड में, यही समय होता है कि प्रभु हमको अपने आप को प्रकट करके देखता है. वेयर गॉड सेपरेट्स अस फ्रॉम व्हाट वी हैव लर्न टू लीन ऑन, कि हमको वो हमने क्या बचपन से सीखा था कि किन किन चीजों पर हम टेक लगाए. लीन ऑन का मतलब किसी चीज पर टेक जाना, लेकिन टू लीन ऑन इन ऑर्डर दैट वी नीड टू लीन ऑन हिम अलोन. परमेश्वर ये चाहता है कि हम आप किसी भी चीज पर ना टिके, केवल उसी पर, केवल उस पर टिके और उसके अलावा कोई हमारा आधार ना हो. ये क्या संभव है? है? अगर आप कहते हैं नहीं, तो फिर आपके पास आशा क्या है प्रभु में? प्रभु के लोगों की आशा तो यही है कि एक दिन प्रभु हमें सारे बंधनों से मुक्त करेगा. सबसे बड़े बंधन तो यही है, सब संसारिकता. अब देखिए, पुराने नबी में, पुराने नियम में एक पुस्तक है, होशे नबी की पुस्तक. होशे नबी की पुस्तक ये आपको मिलेगी डैनियल की पुस्तक के बाद, 14:20. इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके, कैसे ले जाऊंगा? मोहित करके. परमेश्वर का आत्मा, ये प्रोफेटिक वर्ड है, मैं उन्हें मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां जंगल में उससे शांति की बातें कहूंगा. आपको परमेश्वर शांति की बातें कहां कहेगा? जंगल में. अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि आपके जीवन में जंगल वाला अनुभव है, सब तरफ से डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, परेशानी, विपत्ति, हाँ कोई काम बन रहा है, कोई नहीं बन रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, ये जब पीरियड चल रहा है, ये आपका जंगल का पीरियड है और इस जंगल के पीरियड में परमेश्वर आपसे शांति की बातें करेगा. निकालेगा नहीं, आपको उसी में रहने देगा, क्योंकि आपको निकालना है, पूरा पार कराना है इसको, और बिना पार किए आपको मुकुट नहीं मिलेगा. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि नए नियम से आपको पता चल जाए कि आज के समय में ये हमारे जीवन में कैसे परमेश्वर पूरा करेगा. और आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर हो कि वो हमसे बिल्कुल सच्ची बात बोलता है और जो वो बोलता है वो उसे पूरा करता है, पूरा करने की शक्ति है. याकूब की पुस्तक उसका 1:2-4, 2-3-4, दूसरा तीसरा चौथा पद. 1 याकूब 1 उसका 2-3-4 नहीं, याकूब की पत्री 1, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, अब आपको समझ में आया क्यों आनंद की बात समझ में आया? क्योंकि इसे पार करने के बाद आपको क्या मिलेगा? है? नहीं, केवल आनंद नहीं मिलेगा, आपको सामर्थ मिलेगी, पावर ऑफ गॉड मिलेगा उस आनंद को, कि जो हमें यह मिलेगा. देखिए, आप किसी बच्चे को कुछ कठिन काम बोलिए, वो जाके कर नहीं पा रहा, लेकिन वो कोशिश तभी करेगा जब उसको आप बोलेंगे ये मिलेगा. आशा होगी तभी तो करेगा. तो आप उसको आशा देते हैं कि ये देंगे, तो इसके कारण वो कठिन काम को करता है. आपको भी परमेश्वर, हमें और आपको भी बच्चों की तरह डील कर रहा है जी. ये जानकर कि तुम विश्वास, परमेश्वर आपके विश्वास पे भरोसा नहीं करता, परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा वचन के द्वारा. आपके अंदर वो विश्वास पैदा करना मांगता है जो हमारे अंदर है ही नहीं जी. विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो. पहली चीज के तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो, पर यदि तुम में से किसी को इसकी घटी तो रहती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता जी. तो परमेश्वर से मांगे जी, जो बिना उल्हाना दिए सबको. ये अच्छी बात लगती है ना,
कुछ लोगों को नहीं, सबको। मांगो किससे? वो सबको बिना उल्हाना दिए, यानी ताना नहीं देगा। परमेश्वर आपको कभी भी कुछ देता तो ताना नहीं मारता, देखो मैंने तुम्हें दिया, ताना नहीं मारता। अब इसी का 12वां पद पढ़ दीजिए, पहले अध्याय का। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में, बहुत मुश्किल चीज है, वचन में और कलीसिया में संगति में बने रहो पवित्र आत्मा की। अगर स्थिर रहना मांगते हो कब? परीक्षा में जी, क्योंकि वो धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर क्या पाएगा? जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से। आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो ये प्रतिज्ञा आपके लिए है, लेकिन इसके साथ कंडीशन जुड़ी है, खरा निकलकर। जब आप खरे निकल आएंगे, खरा निकलने के बाद आपको पावर ऑफ गॉड मिल जाता है, और प्रभु कभी अपने वायदों में देरी नहीं करता। देरी हमारी ओर से है, हमारी प्रिपेरेशन ही नहीं कंप्लीट होती, हमारा माइंड ही नहीं सेंटर में रहता। जल्दी से मैं आपको यीशु मसीह के जीवन में दिखाऊंगा, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय, जल्दी से आ जाइए। इस पूरे प्रोसेस को हम यीशु मसीह के जीवन में शॉर्ट में हम आपको बताते हैं, आपको वह तुरंत दिख जाएगा। पहले पद से पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हाँ, यीशु पवित्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से। ओ पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा जैसे ही उसके जीवन में आया, कहां लेके गया? आपको कहां लेके जाएगा? अब देखिए, यीशु मसीह जंगल में गया पवित्र आत्मा के सिखाने से। क्यों? पवित्र आत्मा जंगल में ले जाके सिखाता है, इसीलिए ये विल्डरनेस पीरियड हमारे लिए आवश्यक है, यीशु मसीह के लिए आवश्यक था। उसने हमारे लिए भी वही पार्ट रखा, जैसा उसका स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव जी। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा जी। उन दिनों में उसने ना कुछ खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसको भूख लगी। अब यहां से टेस्टिंग शुरू। अब तुम किसकी सुनोगे? दो आवाजें आ रही। मसीही जीवन में आप शुरुआत से देख लीजिए, दो आवाजें आपको देखें। पवित्र आत्मा मिलने के बाद आपको दो आवाजें मिलेंगी, आपको डिसाइड करना है कि हम किधर जाएं। यीशु मसीह के पास दो आवाजें आई जी। सबसे पहली आवाज किसकी आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली आवाज आप प्रभु की, आप पवित्र आत्मा पाए हुए, प्रभु की आवाज है जी। यदि तू, अगर परमेश्वर बात करेगा कभी यदि लगा के बात नहीं करेगा, डाउटफुल सेंटेंस, तुम्हें शक में डाल दिया, अगर तू खुदा का बेटा है जी। ये पत्थर से कह दे, क्या परमेश्वर कभी इलॉजिकल आपसे कहेगा? परमेश्वर आपको रोटी देगा, पत्थर को रोटी बनाने को नहीं कहेगा जी। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित नहीं रहेगा। तब शैतान बस यही तो हमको चाहिए है ना, दुनिया की चकाचौंध दिखा दी जी। पल भर में सारा राज्य और वैभव दिखाया, और यीशु मसीह से कहा, ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे, यहां पर प्रणाम का मतलब मैं आपको बता दूं, या हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, यहां के प्रणाम का मतलब है, इफ यू बाउ डाउन इन वर्शिप मी, अगर तू मेरी आराधना करे। परमेश्वर कभी आपसे आराधना करने को नहीं बोलेगा, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लेकिन शैतान हमेशा आपको इन्फ्लुएंस करेगा वर्शिप करने को। परमेश्वर वर्शिप कराता नहीं है, लोग, परमेश्वर आपको प्रसन्न करता है, आपकी इच्छा पूर्ति करता है ताकि आप उसकी आराधना करें। आराधना अंदर से निकलती है, धन्यवाद अंदर से निकलता है, और शैतान आपको प्रेरित करेगा आराधना करने को जी।
तो ये सब तेरा होगा। वो आराधना का भूखा है, वो वर्शिप का भूखा है। जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है कि तू प्रभु। देखिए यीशु मसीह कहां से बात कर रहा है, ध्यान दिया आपने? रिटन वर्ड से बात कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो स्वयं वर्ड था, वचन था, वचन देहधारी हुआ, लेकिन फिर भी वो रिटन वर्ड से ही बात कर रहा है। आज लोग आपसे किस जगह से बात करते हैं, रेफरेंसेस क्या है, उसका राइट इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपके लिए जाना। इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह उसे कहने का लिखा है, शैतान से बात कर रहा, लिखा है। जी, प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल प्रणाम कर, मतलब आराधना कर, और केवल उसी की उपासना कर। जी, तब ये शैतान उसे यरूशलेम में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर ले गया। जी, हाँ हाँ, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों से नहीं कहेगा कि ऊपर ले जाके कि नीचे गिरा। फालतू की टेस्टिंग, किसको टेस्ट कर रहा है? परमेश्वर की परीक्षा कर रहा है। हम लोग कई बार परमेश्वर की परीक्षा ऐसी करते हैं, अगर ये हो जाएगा काम तो हम विश्वास करेंगे। तो परमेश्वर कहता है, अच्छा मुझे परख रहे हो? जी, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरे विषय में। अब देखिए शैतान कहां से बातें कर रहा है, रिटन वर्ड से। आप कभी पकड़ पाएंगे? शैतान आपसे रिटन वर्ड में बात कर सकता है, इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम। यहां से सीखिए, ये छोटा सी बात, यहां पे छोटे से पैराग्राफ में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो रही। जी, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है। इसको कहते हैं शास्त्रार्थ। जब कोई फॉल्स टीचिंग वाला होगा ना, आपको शास्त्रार्थ की वो मिलेगी अनॉइंटिंग कि आप उसको जवाब दे सको, ना गलत। जी, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं जाता है। जी, फिर यीशु, अब देखिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, लेकिन जब जंगल से बाहर आ रहा तो कैसे आ रहा है? The power of the word of God। और यही बात उसने बोली थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा ऊपर, तब तुम पावर पाओगे। यीशु मसीह को पावर जंगल से निकलने पर मिली थी, हम लोगों को कब मिलेगी? इस पीरियड को पार करने पर। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, और चाहते प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, वो नहीं प्रभु जो हम बनना चाहते हैं, ताकि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो हम सबके जीवन से, और आपकी महिमा प्रकट हो हम सबके जीवन से, और हम सब मिलकर आपकी महिमा का कारण बने, और प्रभु हमारे आपस में इतने अच्छे रिश्ते हों कि हमारे आपस के रिलेशनशिप को देखकर भी लोग आशीष पाएं, और प्रभु हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, और आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दें।